Right. हमेशा मेरी कोशिश भी हुई है कि मैं वही टॉप ऑर्डर ही आउट करूं और किए भी। जो इंग्लैंड से पीटरसन था ये भी डेंजरस थे, मगर हमेशा मैंने इनको आउट किया, जो कि उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा है कि उनको मैं डेंजरस लगता रहा हूं, तो मैं अब किसको डेंजरस बोलूंगा। बजाय कि मैं डरता, बैट्समैन उस वक्त मुझसे डरते थे। पहल था मेरा साउथ अफ्रीका में, जो उसने बड़ी कोशिश की सर्वाइव करने की, मगर उससे भी नहीं हुआ, वो भी आउट हो गया। फिर आमला टेस्ट में भी 3-4 दफा लेफ्ट करते ही बोल्ड हुआ। पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख अपने अंदर शान शौकत, उरूज जवाल और बुलंदी उपस्थिति के कई किस्से समोए हुए हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स न सिर्फ शोहरत हासिल करते हैं और अवाम की बेपनाह मोहब्बत के हकदार ठहरते हैं, बल्कि ढेर सारा पैसा भी कमा लेते हैं, जिससे उनकी जिंदगी ऐशो अशरत से गुजरती है। लेकिन जहाँ पर पाकिस्तान में इमरान खान जैसे लेजेंड मौजूद हैं, जिन्होंने क्रिकेट से इज्जत और शोहरत हासिल की, जिसने उन्हें लोगों का पसंदीदा नुमाइंदा बनवाने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया, वहीं कुछ ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं जो अपने किए पर खुद नादिम हैं, और इन क्रिकेटर्स में वाज़े मिसाल साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ की है, जो कभी पाकिस्तान का फखर हुआ करते थे। उनकी इनफरादी कारकर्दगी ने पाकिस्तान को कई अहम मैचेस जितवाए और परदेश में भी पाकिस्तान का झंडा सरबुलंद किया, लेकिन फिर मैच फिक्सिंग की वजह से वो जिल्लत और नफरत देखी के इबरत का निशान बन गए और हर आने वाला क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ जैसे अंजाम से डरता है। मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के लिए एक अनमोल हीरा थे। उनका करियर इंतहाई शान शौकत से जारी था, लेकिन उन्होंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। अब कई वर्ष गुजर चुके हैं, मगर मोहम्मद आसिफ अब भी सजा भुगत रहे हैं। वो गुमनामियों में जी रहे हैं और अपने दर्दनाक माजी को भुलाने में लगे हैं, मगर शायद ये दाग कभी न धुल सकेगा। इससे पहले कि मैं आपको मोहम्मद आसिफ के मौजूदा हालात जिंदगी के बारे में बताऊँ और उनके जज्बात और ख्यालात से आगाह करूँ, एक नज़र उनके माजी पर डालते हैं और मोहम्मद आसिफ की उस मिसाली जद्दोजहद और नाकाबिल तस्खीर एजाजात का जिक्र करते हैं। मोहम्मद आसिफ 1982 को गुजरांवाला की एक जमींदार फैमिली में पैदा हुए थे। उन्हें बचपन से ही क्रिकेट का शौक था और इसी शौक में वो ज्यादा तालीम हासिल नहीं कर सके थे। उन्होंने मुख्तलिफ क्लब से क्रिकेट का आगाज कर दिया। वो अपनी बासलाहियत और गैर मामूली बॉलिंग से बहुत जल्द मशहूर होने लगे, जिसके बाद उन्होंने इदारा जाती क्रिकेट में कदम रखा। मोहम्मद आसिफ तरक्की की मंजिलें तय करते गए और आखिरकार जनवरी 2005 को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में मोहम्मद आसिफ बिल्कुल अच्छा परफॉर्म न कर सके, यहां तक कि उन्होंने एक विकेट भी हासिल न की। इसके बाद मोहम्मद आसिफ को वक्तन फवक्तन ड्रॉप किया जाता रहा। जनवरी 2006 में इंडिया ने पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तानी स्क्वाड में मोहम्मद आसिफ को भी किस्मत आजमाई का मौका दिया गया और इस बार मोहम्मद आसिफ ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मोहम्मद आसिफ पाकिस्तानी हीरो बनकर सामने आए। क्रिकेट की दुनिया में उन्हें पहली पहचान इसी सीरीज से मिली थी और बड़े बड़े क्रिकेटर उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गए थे, जिनमें इमरान खान भी शामिल हैं। मोहम्मद आसिफ ने पहली इनिंग में युवराज सिंह को आउट किया, जबकि अगली इनिंग में 4 भारतीय खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। आसिफ ने सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और लेग्स मैन को क्लीन बोल्ड करके पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। पाकिस्तान भारत के खिलाफ सीरीज तो हार गया, मगर मोहम्मद आसिफ हेडलाइंस की रौनक बन गए। हर तरफ उन्हीं के चर्चे होने लगे और उन्हें पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर बताया गया, जिसमें कोई दो राय न थी। पाकिस्तान ने इसी साल श्रीलंका में भारत के खिलाफ टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें मोहम्मद आसिफ ने अपने करियर का बेहतरीन बॉलिंग रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में 78 रन देकर 11 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद आसिफ अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मुकम्मल तौर पर हिस्सा बन चुके थे। उन्होंने टेस्ट टीम के लिए अपने आप को लाजमो मलजूम बना लिया था। 2006 ही में पाकिस्तान ने इंग्लैंड का दौरा किया, जहाँ पर उन्होंने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। मोहम्मद आसिफ इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच में क्रिकेट की तारीख में T20 में पहले मेडन ओवर कराने वाले बॉलर बने, जबकि उन्होंने इस ओवर में 2 खिलाड़ियों को भी आउट किया। मोहम्मद आसिफ और केवन पीटरसन की तलख खलामी बहुत मशहूर थी। दोनों एक दूसरे को आड़े हाथों लेते थे। जब भी दोनों का सामना हुआ, लोगों को एक अच्छी एंटरटेनमेंट देखने को मिली, लेकिन इस लड़ाई में भी मोहम्मद आसिफ का पलड़ा भारी रहा। अपने करियर में मोहम्मद आसिफ ने केवन पीटरसन को 5 मरतबा आउट किया, जिसमें से 3 मरतबा उन्हें बोल्ड किया, जबकि 1 मरतबा उन्हें 0 पर भी पवेलियन की राह दिखाई। 2007 में मोहम्मद आसिफ को IPL के लिए दिल्ली डेयर डेविल्स ने $6,50,000 में साइन कर लिया था, लेकिन बदकिस्मती से मोहम्मद आसिफ इस IPL का हिस्सा न बन सके, क्योंकि मोहम्मद आसिफ और शुएब अख्तर की ड्रेसिंग रूम में फाइट ने तनाजा खड़ा कर दिया था। इसके अलावा मोहम्मद आसिफ को शुएब अख्तर ने बल्ला भी मारा था, जिससे उन्हें इंजरी हो गई थी। वैसे ही हम लोग मजाक में थे, तो वो शुएब भाई जरा सीरियस
सीरियस हो गए तो उस वजह से वो हाइपर हो गए, तो हो जाता है ऐसा हाइपर, वो पुरानी यादें हैं, ऐसा हो जाता है, वो कोई नहीं, वो उसमें शुएब भाई ने सॉरी भी बाद में कर ली, तो हीट ऑफ द मोमेंट हो जाती है चीज़ें जो कि पार्ट ऑफ द गेम ही है, होनी नहीं चाहिए थी मगर हो गई है, तो उन्होंने भी सॉरी कर ली और हमने भी, उसके बाद भी हमारी अभी भी दोस्ती है और अभी चलती भी रहेगी इंशाल्लाह। मोहम्मद आसिफ जहां करियर में बुलंदी हासिल कर रहे थे वहीं मुख्तलिफ तनाज़ियात का भी शिकार थे। आए दिन वो अपनी लापरवाह हरकत की वजह से शाह सुर्खियों की जीनत बनते, यहां तक के 2007 में उन पर मंशियात का आदि होने का इल्जाम भी लगा और इसके लिए मोहम्मद आसिफ का टेस्ट भी पॉजिटिव आया जिसके बाद उन्हें पीसीबी की जानिब से कुछ मैचेस के लिए बैन कर दिया था। मोहम्मद आसिफ यूं ही तनाज़ियात में गिरते रहे मगर बाद में छुटकारा भी हासिल करते गए, लेकिन 2010 के मैच फिक्सिंग स्कैंडल ने उन्हें कहीं का ना छोड़ा। अभी मोहम्मद आसिफ को क्रिकेट में आए महज 5 साल ही हुए थे, इस मुख्तसर करियर में उन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए थे और अभी उन्हें बहुत कुछ करना था मगर पैसे के हवस ने उनसे वो गुनाह करवा दिया जिसकी तलाफी नहीं हो सकी। 2010 में मोहम्मद आसिफ ने कौमी टीम की नुमाइंदगी करते हुए इंग्लैंड का दौरा किया और ये उनका आखिरी दौरा साबित हुआ। बरतानवी खबर रसां इदारे न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने मोहम्मद आसिफ के खिलाफ एक खबर शाया की जिसमें आसिफ और उनके साथ मोहम्मद आमिर और सलमान बट पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगाया गया। इस खबर पर आईसीसी की जानिब से तहकीकात की गई और आखिरकार मोहम्मद आसिफ को मैच फिक्सिंग का मुजरिम ठहराते हुए 7 साल के लिए बैन कर दिया गया। इस वाक्य ने मोहम्मद आसिफ के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट को भी बदनाम किया, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी क्रिकेट की रुसवाई हुई। आसिफ काफी अरसा तक अपना केस लड़ते रहे और बैन हटवाने के लिए कोशिश करते रहे, इस दौरान वो पीसीबी पर तनकीद भी करते थे लेकिन उन्हें किसी तरफ से हमदर्दी हासिल नहीं हो सकी। 2015 में आईसीसी ने अपने फैसले को रिव्यू करते हुए आसिफ से बैन हटा दिया और उन्हें मैदानों की रौनक बनने के लिए क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। मोहम्मद आसिफ ने कोशिश तो की मगर वो दोबारा कौमी टीम का हिस्सा न बन सके। इस दौरान मोहम्मद आसिफ ने बहुत मुश्किल वक्त देखा, उनकी फैमिली को मुआशरे में बदनामी का सामना करना पड़ा जबकि उन्हें माली मिसाल की तंगी ने भी घेर लिया था। मोहम्मद आसिफ जो पहले अपने करियर की जंग लड़ रहे थे अब रोटी की जंग लड़ने लगे। मोहम्मद आसिफ के मैच फिक्सिंग स्कैंडल को 10 साल गुजर चुके हैं लेकिन शायद अब भी वो इसकी सजा काट रहे हैं। उनके साथी मोहम्मद आमिर तो कौमी टीम का हिस्सा बन गए मगर सलमान बट और आसिफ को अपने गुनाहों का कफारा देने का मौका नहीं दिया गया। मोहम्मद आसिफ आजकल मायूस होकर अमेरिका मुंतकिल हो चुके हैं, वो अमेरिका में मुस्तकिल रिहायश के लिए कोशा हैं ताकि अच्छी जिंदगी गुजार सकें। मोहम्मद आसिफ जिस इलाके में रहते हैं वहाँ कुछ क्रिकेट अकेडमीज हैं जहाँ पर मोहम्मद आसिफ अपनी खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। वो पाकिस्तान में क्रिकेट अकेडमी बनाना चाहते हैं, अभी तक उनका ख्वाब पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा लेकिन उनकी कोशिश जरूर है। मोहम्मद आसिफ चाहते हैं कि जिस खजाने को वो नहीं इस्तेमाल कर सके उसे पाकिस्तान के दूसरे बच्चे इस्तेमाल करें। गुज़श्ता रोज मोहम्मद आसिफ ने एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे करियर का इख्तिताम अच्छे तरीके से नहीं हुआ, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने अपनी गलती की सजा भी भुगती मगर सब बेसुध रहा। कई दूसरे मैच फिक्सिंग और करप्शन करने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीसीबी ने मेरा करियर बचाने के लिए कोशिश नहीं की, हर कोई मेरी बॉलिंग की तारीफ करता था लेकिन अगर पीसीबी ने आमिर की तरह मेरा करियर भी बचाने की कोशिश की होती तो मेरे साथ यूं ना होता। मोहम्मद आसिफ ने मजीद कहा कि ना पहले भूख से मरा था और ना अब मरूंगा, हर कोई जिंदगी में गलतियां करता है और मुझसे भी गलतियां हुई लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे अपनी गलती का एहसास है। मेरी तो कोशिश होती थी कि मैं टॉप ऑर्डर ही ज्यादा आउट किया मैंने नए बॉल से और अल्लाह ताला का शुक्र है। ऑस्ट्रेलियन ही थे हमारे दौर में, तो उस वक्त हेडन थे, गिलक्रिस्ट था जो कि अच्छी बॉल को भी हिट करते थे और उसके बाद अभी उसके पास वो अब जैसे साउथ अफ्रीकन है तो इंग्लैंड से पीटरसन था, ये भी डेंजरस थे मगर हमेशा मैंने इनको आउट किया जो कि उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा है कि उनको मैं डेंजरस लगता रहा हूँ, तो मैं अब किसको डेंजरस बोलूँगा। जी आमला अभी को भी मैंने 3-4 दफ़ा आउट किया जो कि उनको समझ में नहीं आई पूरा, एक तो उस स्पेल था मेरा साउथ अफ्रीका में जो उसने बड़ी कोशिश की सर्वाइव करने की मगर उससे भी नहीं हुआ, वो भी आउट हो गया। फिर आमला टेस्ट में भी 3-4 दफ़ा लेफ्ट करते ही बॉल्ड हुआ, तो वो बड़ी अच्छी उस वक्त बॉल भी बहुत अच्छा इन स्विंग भी होता था आउट स्विंग भी होता था और रिदम में भी थे उस वक्त, तो बजाय कि मैं डरता बैट्समैन उस वक्त मुझसे डरते थे। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी, मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।